मनीष सिसोदिया ने जाने के पहले ये बात कही थी राघव, जो आप दोहरा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की नजर रहेगी दिल्ली के बच्चों पे, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो एक बहुत इमोशनल कनेक्ट की कोशिश की उन्होंने। शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया कई तरह के प्रभार संभाल रहे थे, इसलिए यह सवाल उठता है राघव चड्ढा कि आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए यह कितनी बड़ी मुसीबत है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाती है। नगमा जी, ये तो कहना गलत होगा कि हमें दुख नहीं है, हमारी आंखें नम नहीं है। हमें बहुत दुख है, मेरी आंखें नम है। मेरी मदर आज अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, मैं घर आकर उनको संभाला है। अफकोर्स हमें बहुत बुरा लगा है। हम लोग अंदर से एक प्रकार से, हमारे ऐसे आंदोलन के साथी जिनके साथ, एक सीनियर कॉलीग जिनके साथ हमने ये पूरा अपना राजनीतिक जीवन बिताया, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ धपकियों से, इनकी सीबीआई, ईडी और जेल से डरने वाले लोग नहीं है हम। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने एक देश के आम आदमी, आम औरत को जोड़कर इतनी बड़ी पीपल्स मूवमेंट, एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिससे बड़ी बड़ी सरकारें डोल गई। आज एक शख्स नगमा जी जिससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है।